क्या आकांक्षा दुबे एक सही में पहली बन गई है? क्या अरविंद अकेला कल्लू जी समर सिंह से मिले हुए हैं? समर सिंह, गुंजन सिंह, गुंजन सिंह, राकेश मिश्रा और अक्षरा सिंह, पवन सिंह, सभी का नाम बहुत माला की तरह जप रही है उनकी माँ। बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि उस दुख की घड़ी में पवन सिंह, गुंजन सिंह, राकेश मिश्रा सभी और कलाकारों ने, अक्षरा सिंह समेत बहुत सारे कलाकारों ने उन्हें मदद किया, आर्थिक तौर पर भी मदद किया और शारीरिक मदद भी उनको किया, इसलिए वो नाम ले रही हैं। बार बार उनके मुंह से नाम पवन सिंह, गुंजन सिंह, राकेश मिश्रा सभी का नाम निकल रहा है। अब अरविंद अकेला कल्लू जी की बात आती है कि उनकी माँ कल लाइव आती है, लाइव आने के बाद बोलती है अरविंद अकेला कल्लू भी मेरा मजा ले रहे थे, समर सिंह से मिले हुए हैं। तो जी मैं इस बात को खंडन करता हूँ, क्योंकि अरविंद अकेला कल्लू जी एक सुपरस्टार हैं, हालांकि उनके मुंह से इस बात को किस लिए निकल गई, क्यों ये बोले ये मालूम नहीं है, अभी तो आकांक्षा दुबे की माँ ही बताएगी। लेकिन अरविंद अकेला कल्लू जी के मुंह से भी इस तरीके की बातें अच्छी नहीं है। अब बात रह गई अरविंद अकेला कल्लू की, जिस तरीके से बातों पर आरोप लग रहे थे, तो मेरे ख्याल से अरविंद अकेला कल्लू वैसे नहीं है, हाँ आकांक्षा दुबे की माँ उन पर आरोप लगा रही है कि ये भी समर सिंह से मिला हुआ है। अब आकांक्षा दुबे की माँ ही जानेगी कि किस लिए उन पर वो आरोप लगा रही है। हालांकि डायरेक्ट अब मुद्दे पर आता हूँ, अब बात किया जाए कुछ अलग हट के, जिस तरीके से आकांक्षा दुबे के साथ जो 4 महीने हो गए, ये जो मामले हुए 4 महीने में, मतलब आकांक्षा को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अब आप पूछेंगे कि इंसाफ कैसे नहीं मिला, समर सिंह जेल चले गए, फलना जेल चल गए, चिलना जेल चल गए, नहीं, आरोपी को अरेस्ट करने के लिए पीड़िता का बयान ही काफ़ी होता है। मैं ये भी नहीं कहूँगा दावे के साथ, क्योंकि मैं केसकर्ता नहीं हूँ, समर सिंह ही दोषी है या नहीं दोषी है, समर सिंह गलत है या सही है, ये बात कहने वाला मैं कोई नहीं हूँ। अब उनके आकांक्षा के माँ जाने, परिवार जाने, प्रशासन जाने, कोर्ट जाने, दोष सिद्ध करना माननीय न्यायालय का काम है, दोष मुक्त करना माननीय न्यायालय का काम है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पुलिसिया तंत्र उत्तर प्रदेश में है, बाबा की सरकार है, बुलडोजर वाले बाबा यूपी श्री योगी आदित्यनाथ जी का, क्या 4 महीने हो गए उसमें विशेष तरीके का जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना चाहिए। अब मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि समर सिंह, संजय सिंह जेल अरेस्ट होकर चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ अरेस्ट होते हैं, उनका नाम केस में आता है इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन वो होटल, जो सोमेंद्र होटल, जिस होटल में आकांक्षा दुबे सोई थी, जिस होटल में आकांक्षा दुबे के साथ ये मामले हुए थे, आपने ये भी सुना होगा कि आकांक्षा दुबे के कपड़े से कुछ, आप समझ सकते हैं कि मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर थोड़ा हमें भी शर्म की तरह वो बातें लग रही हैं, तो बहुत सारे आकांक्षा के साथ घिनौने खेल भी हुए थे। लेकिन आकांक्षा दुबे की पहली जिस तरीके से बनी हुई है, मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं, तो भाई आकांक्षा की माँ लाइव आकर रोती हैं, बिलखती हैं, तो एक माँ का दर्द को हमने देखा है, एक माँ के दर्द क्या होता है हम लोगों ने भी देखा है। खैर उस मुद्दे पर भी नहीं आता हूँ। आकांक्षा घर की ऐसी लड़की थी कि आकांक्षा के पिता यानी कि धीरेन्द्र दुबे, वो बिल्कुल अस्वस्थ चल रहे हैं, अस्वस्थ हैं भी, काफ़ी दिनों से अस्वस्थ हैं। अब अस्वस्थ इसलिए हैं, उनका शरीर का बॉडी फंक्शन यानी कि लीवर सिस्टम से लेकर किडनी सिस्टम, हर एक सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हैं, दिक्कत है। तो आकांक्षा दुबे ही घर में अपने बेटी की तरह सभी का सेवा करती थी, दवा लाती थी, सब चीज़ मतलब कि करती थी, मतलब कि उस घर में एक आकांक्षा दुबे ही कमाने वाली थी। लेकिन जानने वाली ये बात है, आकांक्षा का न्यूज़ तो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, न्यूज़ भी काफ़ी चले, आकांक्षा के सपोर्ट में भी चले, आकांक्षा के विरोध में भी चले, सपोर्ट विरोध बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन अभी तक प्रशासन जिस तरीके से वहाँ पर जांच करके सिर्फ कपड़े से ये निशान मिले, वो लेकिन असली मुकाम तक अभी प्रशासन वहाँ क्यों नहीं पहुँची? हालांकि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो विकास दुबे जैसे लोगों को गाड़ी पलट दिया जाता है, उज्जैन से जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, हर एक चीज़ का एकदम पार्ट पार्ट दिखा दिया जाता है, कैसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन आकांक्षा दुबे मामले में सिर्फ अरेस्टिंग ही होकर रह जाती है। अब अरेस्टिंग में वो दोषी हैं कि निर्दोष हैं ये भी मालूम नहीं है, लेकिन प्रशासन अपने तरफ से सेटिस्फाइड नहीं किया है कि आकांक्षा के साथ हुआ क्या था। तो ये बड़ा सोचने वाली बात है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से
पवन सिंह, राकेश मिश्रा, गुंजन सिंह, अक्षरा सिंह का नाम आ रहा है। भैया नाम तो बिल्कुल उन लोगों का आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए कि उस दुख की घड़ी में एक सुपरस्टार होते हुए, एक सेलिब्रिटी स्टार होते हुए उनके घर पर गए, घर पर जाकर उनके दुख दर्द में भी शामिल हुए और उनको मदद भी किए। हो सकता है संपर्क में भी होंगे, बात भी कर रहे होंगे, लेकिन और सारे सुपरस्टार जितने भी सुपरस्टार हैं, क्या आकांक्षा के लिए मदद नहीं करना चाहिए था उन लोगों को? लंबी लंबी सब बातें करते हैं कि मैं सुपरस्टार हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, लेकिन सुपरस्टार आज कहाँ हैं? आकांक्षा के साथ जो मामले हुए, ये मामले सिर्फ किताब के पन्नों में ही दर्ज होकर रह गए, FIR के पन्नों में ही दर्ज होकर रह गए। लेकिन अभी सोमेंद्र होटल का जो स्टाफ है, जिस तरीके का बयान दे रहा था, जिस तरीके का बयान, हमने सोमेंद्र होटल पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने का प्रयास किया था, दिखाया भी लोगों को, लेकिन सोमेंद्र होटल के लोगों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्योंकि वो होटल एक बहुत बड़ा जज का है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। होटल एक बहुत बड़े पहुँचे हाई लेवल लोगों का है, इसलिए कार्रवाई उस पर नहीं हुई। उस पार्टी में जो आकांक्षा दुबे को बुलाया था, जो ब्राउन कलर की 15 ml का जो लिक्विड बरामद हुई थी, उसकी भी जांच नहीं हुई। मतलब दर्शक को या फिर जनता को ये क्लियरिफाई नहीं हुआ कि आकांक्षा दुबे का दरअसल हुआ क्या था, क्योंकि इस मामले को बताया नहीं गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि समर सिंह पर FIR हो गया, संजय सिंह पर FIR हो गया, फलाने पर FIR, तो उनकी माँ ने लगाया। FIR कोई किसी पर कर सकता है, एलिगेशन लगा सकता है, लेकिन जब जांच होने के बाद 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना पड़ता है कोर्ट में, यानी कि 90 दिन के पहले भी चार्जशीट कोर्ट में दायर किया जाता है, जो कि चार्जशीट में हर एक चीज़ का खुलासा कर दिया जाता है, लेकिन वो खुलासे अभी तक सामने क्यों नहीं आई? आकांक्षा की माँ एक अकेले लड़ रही हैं, कभी रो रही हैं, कभी बिलख रही हैं, कभी तड़प रही हैं। भाई एक बेटे को उन्होंने खोया है, बिल्कुल उनके दर्द को हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन प्रशासन को वहाँ पर, जोगी बाबा को, यानी कि आपके प्रशासन काफ़ी चौंकाना है, यानी कि प्रशासन एक लेवल अलग ही हट के वहाँ पर अपने सिस्टम को यूज करती है, यानी कि प्रशासन अपने पुलिसिंग का भरपूर इस्तेमाल करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रशासन काफ़ी चौंकन्ना और काफ़ी तेज नज़र आती है, लेकिन आकांक्षा दुबे मामले में प्रशासन भी बहुत स्लो नज़र आती है। आकांक्षा दुबे के माँ का एक बात और कहना था, मोदी जी पर उन्होंने आरोप लगाया, मोदी जी आते हैं यूपी में चुनाव लड़ने तो बोलते हैं कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। क्या आपको आकांक्षा दुबे की माँ ने नहीं बुलाया? आकांक्षा दुबे की माँ आपकी वोटर है, आकांक्षा दुबे की माँ आपको सपोर्टर है, आपको वोट भी की होंगी, तो गंगा मैया आपको बुलाती है चुनाव लड़ने के लिए, गंगा की सफाई आप कराने आते हैं, लेकिन आकांक्षा दुबे के साथ जो गंदगी हुए उसका सफाई कब करेंगे श्रीमान? तो बड़ा शर्म की बात है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि एक आकांक्षा दुबे जैसी लड़की, न जाने ऐसे ऐसे लड़कियां मॉडल एक्ट्रेस बहुत सारे इंडस्ट्री में है, कहां कहां से आती है, अपने बाप माँ को छोड़कर आती है काम करने के लिए, उनके साथ क्या होता है नहीं होता है, जब खुलासा होता है तब सामने आता है। लेकिन इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, जाँच करके कम से कम उसके माँ को स्पष्ट करना चाहिए कि आपके लड़के के साथ हुआ क्या था। हो सकता है कि आकांक्षा दुबे नहीं ऐसा किया हो तो उसको भी आप क्लियर करें, लेकिन क्लियर तो श्रीमान करते नहीं हैं। तो माँ है, माँ बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई है, पागल बन गई है, कभी कल्लू जी पर आरोप लगाती है, कभी किस पर भी बोलती है, क्योंकि उस माँ का गुस्सा हमने देखा, उस माँ का दर्द हमने देखा, वो बिल्कुल कब किसको क्या बोलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं, इसलिए कि वो अपने बेटी का खखन में है और अपना बेटी के लिए भाई किसी को दर्द होता है। तो मैं वहाँ के श्री योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री साहब से यही आग्रह करूँगा कि जिस तरीके से वहाँ पर जो मामले हुए हैं, बिल्कुल उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि 4 महीने हो गए साहब और 4 महीने में अभी तक उसका खुलासा नहीं हुए हैं। सिर्फ जिन पर आरोप लगे हैं उनको जेल भेजा गया है, आरोप लगाने से, किसी को जेल भेजने से जाँच नहीं हो जाता है। उस सोमेंद्र होटल की आपको जाँच करनी चाहिए कि जहाँ से सारे मामले, सारे कनेक्शन, सारे तार जुड़े हुए हैं। उस पार्टी हाउस की जांच करनी चाहिए जहां से आकांक्षा दुबे की पार्टी स्टार्ट हुई थी और होटल तक आकर खत्म हो गई। तो बिल्कुल इस सभी बिंदुओं पर जांच करना चाहिए। हालांकि वहां पर लंबे लंबे नेताजी बहुत बड़े बड़े हवा दे रहे थे, CBI आएगी, ED आएगी, BD आएगी, ना जाने कौन कौन से जाँच का लोग लुभावना दे रहे थे। हालांकि तो चलिए बस इतना ही अपडेट था। हालांकि अपडेट में मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आकांक्षा के साथ ये मामले हुए हैं, इसको जल्द से जल्द और ऊंची जांच करते हुए, हाई लेवल का जांच करते हुए आकांक्षा के परिवार को इंसाफ दिलाया जाए और
जिस तरीके से अभी आकांक्षा की माँ लाई भाकर बार बार सरकार से गुहार लगा रही है, शायद इस दुख को कम किया जा सकता है आकांक्षा के लिए निष्पक्ष जांच करके, और निष्पक्ष जांच में जो भी मामले आते हैं दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी, चाहे जो भी मामले आएंगे, लेकिन दुनिया को जानना चाहिए, सामने आना चाहिए, उजागर होना चाहिए। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आकांक्षा दुबे से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे उनके परिवार से मैं संपर्क करने का प्रयास करूँगा, हो सकता है फिर मैं बनारस जाके दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आकांक्षा जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी बेटियाँ हैं भारत में, सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोड़ू दवाई।